कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था को लेकर फिर साधा मोदी सरकार पर निशाना। कहा, मुसीबत में है बैंक और जीडीपी, जनता का टूट रहा है मनोबल। कांग्रेस के स्टीयरिंग की बैठक में सामने आई नेताओं की नाराजगी। बैठक में केवल 4 नेता रहे मौजूद। बैठक में बिहार चुनाव और कृषि कानून को लेकर हुई चर्चा। बिहार चुनाव के बाद हुई है कांग्रेस की पहली स्टीयरिंग बैठक। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे संक्रमण के मामलों के मद्देनजर सरकार ने लॉकडाउन लगाने से किया इनकार। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली में नहीं है लॉकडाउन की जरूरत, जरूरत पड़ने पर बाजार किए जा सकते हैं बंद। बिहार में जमानत पर चल रहे जेडीयू विधायक को मंत्री बनाने पर मचा बवाल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर उठाए सवाल। कहा, सीएम नीतीश कुमार ने मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाकर क्या भ्रष्टाचार करने का इनाम और लूटने की खुली छूट दी है। उत्तर प्रदेश में भी सियासी कदम रखने को तैयार। आप यूपी के गांवों में अपने संगठन को खड़ा करने की तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले आगामी पंचायत चुनाव लड़कर यूपी की सियासत में कदम रखने का भी किया ऐलान। उत्तर प्रदेश में 69,000 असिस्टेंट टीचर की नियुक्ति का रास्ता साफ। यूपी में इस साल सहायक शिक्षकों की नियुक्ति बढ़े हुए कट ऑफ के आधार पर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई मुहर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने मारा 5 का पंच। बीजेपी ने बंगाल में 5 जोन में बांटा अपना संगठन। 5 बड़े नेताओं को बनाया इंचार्ज। राजस्थान में गुर्जर के बाद अब जाट समाज में आरक्षण को लेकर सुगबुगाहट तेज। आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर और धौलपुर का जाट समाज करेगा महापंचायत। आरक्षण की मांग को लेकर आगामी रणनीति पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने किया बड़ा ऐलान। शिवराज सरकार ने की गोधन संवर्धन के लिए राज्य में गौ कैबिनेट के गठन की घोषणा। 22 नवम्बर को होगी गौ कैबिनेट की पहली बैठक। नए कृषि कानूनों के तहत महाराष्ट्र में मक्का किसान ने 2 व्यापारियों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। किसान को मिला मुआवजा। दोनों व्यापारियों पर पैसे का भुगतान न करने और उपज की बिक्री बकाया न देने का है आरोप। कमला हैरिस के खिलाफ नस्ल भेदी और आपत्तिजनक कंटेंट को फेसबुक ने हटाया। फेसबुक पोस्ट करने वालों के खिलाफ नहीं लेगा एक्शन। बीबीसी न्यूज ने फेसबुक को दी थी जानकारी। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव से जुड़े टॉप सुरक्षा अधिकारी को हटाया। ट्वीट कर हटाने का किया ऐलान। क्रिस क्रेब्स ने चुनाव में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के राष्ट्रपति के दावों को किया था खारिज। बाइडेन ने भारत को लेकर दिया पहला बयान। कहा, मोदी के साथ काम करने का इच्छुक हूं। बाइडेन के सत्ता हस्तांतरण दल ने दी जानकारी। पाकिस्तान पर अब यूएई ने कसा शिकंजा। लोगों को नहीं दे रहा है वीजा। देश से भगाए जाने का भी मंडरा रहा है खतरा। प्रधानमंत्री इमरान खान के द्विपक्षीय रिश्ते कायम रखने की तीखी आलोचना से नाराज है यूएई। अफगानिस्तान के फरियाब प्रांत में बम धमाका। पुलिस प्रमुख सहित 5 सुरक्षा बलों की मौत। अफगानिस्तान की टोलो न्यूज ने दी जानकारी। आज फिर सस्ता हुआ सोना। 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का भाव मंगलवार के भाव की तुलना में 261 रुपए हुआ सस्ता। सोने का भाव 50,793 रुपए के स्तर पर खुला। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी ब्याज पर ब्याज मामले पर सुनवाई। इस मामले पर 5 नवंबर को होनी थी सुनवाई। बैंकों द्वारा ईएमआई के ब्याज पर ब्याज वसूलने को लेकर कई याचिकाएं की गई है दायर। आईपीएल में प्रदर्शन के आधार पर 5 दावेदारों में से 4 को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए जगह मिली, 1 को है इंतजार। 5 दावेदारों में लोकेश राहुल टॉप पर। धोनी के रिटायरमेंट के बाद नए खिलाड़ी की तलाश। यूएस ओपन चैंपियन डोमिनिक थियम ने राफेल नडाल को सीधे सेटों में दी शिकस्त। 2 घंटे 25 मिनट तक चला मुकाबला। और निर्माता निर्देशक मोहन जी प्रसाद का हुआ निधन। 90 वर्ष के थे मोहन जी प्रसाद। फिल्म औरत तेरी यही कहानी से फिल्म के निर्देशन की थी शुरुआत।